अमिताभ बच्चन इन दिनों कौन बनेगा करोड़पति के 15वें सीजन को होस्ट कर रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति के 15वें सीजन का पहला करोड़पति मिल गया है। सीजन 15 के पहले करोड़पति बनने वाले व्यक्ति पंजाब के तरन तारण से। जी हां, पंजाब के जसकरण सिंह ने कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए जीते हैं। जसकरण सिंह ने शो में बताया कि वह तरन तारण के खालजा गाँव से हैं। उनके गाँव से बहुत कम लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, उनमें से वो भी एक है। अपने गाँव से पढ़ाई के लिए वह 4 घंटे का सफर तय करके जाते हैं। वैसे तो वह सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। जसकरण ने बताया कि अगले साल IAS का उनका पहला अटेम्प्ट होगा। उनका कहना है कि कौन बनेगा करोड़पति में जीती हुई राशि अब तक की उनकी पहली कमाई है। ये बात शो के दौरान जसकरण ने बताई कि शो में 1 करोड़ जीतने के बाद बिग बी ने अगला 7 करोड़ का सवाल भी पूछा, जिसके बारे में वीडियो में दिखाया गया है। हालांकि उनका परिवार इस उपलब्धि से बेहद खुश है। तरन तारण से गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। अरे पिछले 4 साल तो ट्राई करने ही मैं, एंड इस दिन में यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने पे मैं पिछले 2 साल तो कर रहा मैं, एंड दोनों इंटरलिंक करके भी पढ़िया, दोनों वक् वक् भी पढ़िया। बाकी उस एग्जाम का एक बहुत बड़ा रोल है इस दे विच, इस सिलेक्शन दे विच या इस अमाउंट जितने दे विच, क्योंकि कई सब्जेक्ट यह होंगे कि जो दोनों विच है, कई सब्जेक्ट यह होंगे जो सिर्फ एक उस चीज़ के कल्ले बारे पढ़ना पैंदा। सो दोवों की एक बहुत वड्डी हेल्प रही है इस मुकाम तक पहुँचने। सर जदों तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की कुर्सी पर बैठे थे उदो मतलब माइंड चलता पाया कि क्वेश्चन की आएंगे कितों आएंगे, पर जिवें अमिताभ बच्चन सर की एंट्री हुई मतलब सारा कुछ पहला तो खुश हुए, मन में बहुत खुशी हुई कि ये उही इंसान है, उही एक्टर है कि जिन्होंने हमेशा फिल्म से देखा है कि पापा मेरे पापा हमेशा गल्ला करते होंगे कि इन्हां दी मूवी मैं उदो वेखी सी जो मैं 6th क्लास से या जो मैं 10th क्लास से, मतलब अपने पापा तो अपने दादा जी तो उन्होंने फिल्मों बारे उन्होंने बारे हमेशा सिर्फ सुनया सी, पर जो उन्होंने खुद देखा तो एक बहुत वधिया एक्सपीरियंस रहा। कितनी बार पिछले 4 साल तो ट्राई किया मैं, एंड पिछले 3 सालों तो लगातार ट्राई करता पाया मैं, मतलब ऑडिशन देने जी के टेस्ट क्लीयर करने, इंटरव्यू कुछ कमियां रह जानी जिद करके सिलेक्शन वगैरह किसी वेले नहीं होंगी सी, बट हर बारी उस चीज़ में सोचना कि यस पिछले साल ये कमी ही मेरी उसमें इंप्रूव करना है, पिछले साल ये कमी सी मेरी इसमें भी इंप्रूव करना है। सो हौली हौली इंप्रूव करते करते अज ये सिलेक्शन हुई, एंड अपनी तैयारी भी फुल रखी, हमेशा पढ़िया गूगल तो मतलब इंटरनेट तो पढ़िया मैं, एंड कली कली चीज़ बारे पढ़िया नोट्स बनाने, तो वह अज जो भी नोट्स बनाए थे या जो भी पढ़े थे अज। सर मैं BSc इकोनॉमिक्स कर रहा मैं DAV कॉलेज तो, एंड मेरा लास्ट ईयर है मेरा, 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हाँ मैं, एंड ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ UPSC ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਹੋਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश TV और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश TV।